नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा से जुड़ी खबरों की। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इस बार नीतीश सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष को सीएम नीतीश के मंत्रियों के दागी होने के सबूत पेश करने की बात कही और कहा कि हमसे नीतीश जी ने जो सबूत मांगे थे जिसे हमने सदन के पटल पर रख दिया। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट बनने के बाद ही तेजस्वी यादव 60% मंत्रियों के दागी होने का आरोप लगाते रहे हैं। तो और भी डॉक्यूमेंट, ये 64% आप देख सकते हैं, एक जाना माना अखबार ने भी छापने का काम किया है। तो बिना तथ्यों के हम लोग ये बोल रहे हैं। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए, एक जमीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उस पर थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहां अब तक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव कमल है फोन लाइन पर। राजीव, किस तरह की सबूत पेश करने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह विधानसभा में आते हैं और विधानसभा जैसे अंदर जाने से पहले वो बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए तो बात उन्होंने कहा कि हम सबूत लाए हैं, जो कागजात है हमारे पास 60% से ज्यादा जो पिछले। सबूत किसके खिलाफ है? सबूत किसके किसके खिलाफ है राजीव? राम सूरत राय के खिलाफ है, जिनके नाम पे जमीन है। बाकायदा उन्होंने बोर्ड दिखाया जिस पे लिखा हुआ है कि वो प्रबंधक हैं, वो वहाँ के जो जमीन है उन्हीं के, मतलब एक बोर्ड है जिस पे दिखाया गया कि जमीन तो पहले बोर्ड लगा हुआ है, उन पर नाम राम सूरत राय लिखा हुआ है, उनको लेकर सबूत है उस पे। और उस तमाम जो विधायक हैं जो बीजेपी सरकार में आते हैं, उनके 60% से ज्यादा विधायक उसमें एक तरीके से संलिप्त है आपराधिक मामलों में। और राजीव, ये तो राम सूरत राय पे पहले भी मुखर रहे हैं, लेकिन 60% जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं उनके दागी होने की बात करते हैं, तो इसके खिलाफ कोई और मंत्री या किसी और विधायक के खिलाफ सबूत है क्या तेजस्वी यादव के पास इस वक्त? नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपके पास सबूत तो दिखाने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, हम विधानसभा में जाके अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास। राजीव, किन किन मंत्रियां किन किन विधायकों का उन्होंने नाम लिया अगर बात की होगी मीडिया से? तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने एक लिस्ट दिखाई, इतने जो मंत्री हैं वो संलिप्त है और ज्यादा आपराधिक मामलों में 50% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में संगीन मामलों में संलिप्त है। राजीव, इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कोई बयान आया है? क्योंकि हंगामा होना तो बिल्कुल तय है सबूत के बाद। अभी सत्ता पक्ष से कोई किकी सुबह सुबह के बाद अभी विधानसभा में कोई अभी उस समय बोलने से मना कर रहा है, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं, तेजस्वी यादव अंदर गए, लेकिन कोई भी जो भी सत्ता पक्ष का है कोई भी बोलना नहीं चाहता इस मामले को लेकर। राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर है विधानसभा से जुड़ी हुई, आरजेडी विधायकों ने नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोला है। ये सदन की कार्यवाही से पहले की बात है, यानी शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से मुखर हुए हैं। तो क्या कुछ हुआ विधानसभा की कार्यवाही से पहले, आरजेडी विधायकों का क्या कुछ कहना है शराबबंदी कानून को लेकर? देखिए, आलोक मेहता और उनके जितने भी, मतलब राजद के जितने भी विधायक हैं, वो बाहर विधानसभा के बाहर गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे कि शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं एक तरीके से छलावा है, सरकार अपने संरक्षण में ये शराब बिकवाती है। उनके विधायक हो चाहे मंत्री हो, तमाम ऐसे लोग हों कि जो वो बिकवाते हैं, और सरकार खाली कानून आम लोगों के लिए जो छोटे गरीब हैं उनको लिए प्रताड़ित करती है, लेकिन ऐसे गोरख धंधे जो शराब कुबारी उसमें बड़े अधिकारी से लेकर और मंत्री से मिले हुए हैं। राजीव, आप बने रहे, क्या कुछ कहा विधायकों ने, एक बार आपको सुना देते हैं कि विधायक जो है कार्यवाही के पहले क्या कुछ कह रहे हैं। हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर, पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को। पर राजीव, हमने आरजेडी विधायक आलोक जी की बात सुनी, उनका कहना है कि थाने में भी शराब मिलते रहते हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन का एक अहम रोल का आरोप लगा रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं वहां के विधायक
आरजेडी के? देखिए, आलोक मेहता का कहना है कि ये पुलिस के संरक्षण में चलता है, क्योंकि जब पटना जैसे राजधानी में शराबबंदी इतने 13 करोड़ रुपए की मिलती है तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि पुलिस बिना जानकारी के इतना सारा जनसंख्या इतने संख्या में कैसे शराब पटना पहुंच रही है। तमाम और बिहार के जो भी सटे हुए जो और राज्य हैं उनके इलाके से ये शराब आ रही है, और सबसे ज्यादा बिहार में शराबबंदी हर एक जिलों में पकड़े जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आलोक मेहता कह रहे हैं कि शराबबंदी एक तरीके से जो सरकार ने किया है वो एक तरीके से छलावा है। सरकार पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में ही ये काम करवा रही है, इसीलिए आज अपराध भी काफी बढ़ गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजीव। तो राजीव विधानसभा पटल के बाहर है और कार्यवाही चल रही है शुक्रवार की, और हंगामा होना तय है। कारण यह भी है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से आर पार की लड़ाई के मुठ में है। उन्होंने आराम सूरत राय की बार एक बार फिर से आरोप लगाया है कि ये जो जमीन है, जिस जमीन पर शराब की बरामदगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं मंत्री राम सूरत राय का, और इसकी सबूत भी पेश कर रहे हैं, जिसके बाद सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा होना तय है।